वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन दोस्तों, मैं हूं अभिजीत कुमार। मैं बात करने जा रहा हूं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो, लिखा हुआ है कंप्लीट रिवीजन, ठीक है। यह है आपका मॉक टेस्ट वन। मैं कोशिश करूंगा डेली सुबह में 9 बजे आपको मॉक टेस्ट मिल जाए। कभी बेसिक साइंस का रहेगा और कभी आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का रहेगा। और जो मॉक टेस्ट आपको मिलेगा उसी दिन या उसके बाद कभी भी कोई भी वीडियो जो आएगा उसमें आपको पहले सॉल्यूशन मिलेगा, उसके बाद फिर से आपका नेक्स्ट मॉक टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं है। इसका जो भी आंसर होगा उसका आंसर का पीडीएफ तो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप में हर जगह डाल ही देता हूँ। और इसका सॉल्यूशन भी मैं करूँगा मॉक टेस्ट वन में। जो क्वेश्चन रहेगा उसका सॉल्यूशन फॉर मॉक टेस्ट वन करके एक अलग से फिर वीडियो भी आएगा आपका। और आप लोग हिंदी मीडियम का अगर कोई टेस्ट आता है उस पर आप लोग कमेंट मत किया करो कि सर इंग्लिश में इंग्लिश में इंग्लिश में। आप लोगों को मैंने इतना ज़्यादा पढ़ाया हुआ है ना, मोर देन 55 लेक्चर अभी तक मैंने डाला हुआ है, तो आप लोगों को कैसे छोड़ सकते हैं यार। आप लोगों का कंटेंट तो काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास, ठीक है। तो इंग्लिश कंटेंट का कोई टेंशन है ही नहीं, आप लोग का बस सिलेबस कंप्लीट होने पे है। मैंने आप लोगों का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 90% कंप्लीट कर दिया है। लीवर मशीन जो है आपका, वहाँ से 2 या 3 लेक्चर और आएगा। आईटी लिटरेसी में 2 लेक्चर और आएगा। और आपका ऑक्यूपेशनल एंड सेफ्टी जो है वहाँ पे 2-3 लेक्चर, और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आपका 2-3 लेक्चर, मतलब कुल मिलाकर के 10 से 12 लेक्चर आप लोगों का आएगा। 2 महीना आपके पास टाइम है और उधर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे आगे हम लोग जो बचा हुआ सिलेबस है वो पढ़ेंगे और पीछे पीछे हम लोग जो है सो रिविजन करेंगे, ठीक है। और सेम चीज़ आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी चलेगा। प्रोजेक्शन और व्यूज बचा हुआ है, 2 महीना टाइम है। धीरे धीरे हम लोग आगे आगे प्रोजेक्शन और व्यूज पढ़ेंगे और पीछे से जो है हम लोग रिविजन टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कॉपी पेन निकालो, कोई चीटिंग वगैरह मत करना। सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। ईमानदारी से बनाओ। 40 क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ, 15 आ जाए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 40 में 40 आए, 35 आए, 32 आए, 15 आए, 10 आए, 5 आए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर तरफ से आप लोगों को गाइडलाइंस प्रोवाइड करूंगा। इम्प्रूव कैसे नहीं होगा यार, 2 महीना है, काफ़ी अच्छा से इम्प्रूव होगा। बस आप लोग जो है सो जैसे आप लोगों को बताया जा रहा है वैसे आप लोग करने का कोशिश करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का यूनिट्स एंड मेजरमेंट है आपका ये चैप्टर, और इसका सबसे ज़्यादा सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है कि 1 किलोवाट आवर जो है वो किसका यूनिट है। टाइम मैं अपने हिसाब से आपको दूंगा, किस क्वेश्चन में कितना टाइम मुझे देना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से आप लोग, कि क्वेश्चन है आपका यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड क्या है। न्यूटन पर एमीटर मीटर, टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज अ फंडामेंटल यूनिट। आपको फंडामेंटल यूनिट बताना है, मूल मात्रक जो होता है वो चारों में से कौन है। क्वेश्चन नंबर 4, 10 का पावर 5, 10 to the power 5 फर्मी इज इक्वल टू। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड है तो आप लोग उसी हिसाब से अपना स्पीड रखना, और लैंग्वेज को लेकर के कमेंट मत करना। मुझे पता है कौन सा टेस्ट हिंदी में होता है और कौन सा इंग्लिश में होता है। इंग्लिश वाले इंग्लिश वाला देखो, हिंदी वाला देखेगा। कैलकुलेशन स्पीड आप लोगों को अच्छा होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ,
इम्पल्स, एंगुलर एक्सेलरेशन, कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर और एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 6 से देखो, कैंडेला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और चार्ज। यह है आपका, देख लेना ध्यान से, कैंडेला जो है वो किसका यूनिट है? मैग्नेटिक फ्लक्स, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और चार्ज। चलो क्वेश्चन नंबर 7, 10 न्यूटन इक्वल टू आपका एक्स डाइन दिया हुआ है और आपको बताना है एक्स का वैल्यू क्या होगा। हिंदी मीडियम का जो बुक है प्लेटफॉर्म का, उससे काफी ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अवेलेबल है, ठीक है? इसीलिए अगर कोई हिंदी मीडियम वाले होंगे आप लोग भी देखो, कोशिश करो, आप लोगों को कुछ नया वैरायटी का यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कि द फंडामेंटल यूनिट विच इज कॉमन इन FPS एंड MKS सिस्टम क्या है? हर एक चीज मैंने बताया हुआ है, हर एक चीज। जो लोग नहीं देखे हो जा करके 1.1 से देखना, 1 लाख से ज़्यादा लोग देखे हैं 1.1 लेक्चर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, और आप लोग कंप्लीट करो यार, 40 नंबर है, मजाक मत लेना इसको। चलो इसमें सोचने वाली कुछ बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ लेंथ? ल्यूनर मंथ, कैल्विन, कैंडेला, लाइट ईयर। जितना टाइम मैं दे रहा हूँ उतना में अगर आप लोग बना लेते हो तो वो स्कोर आप लोग कमेंट करके बताना कि उतना टाइम में ही बनाए थे या बाद में वीडियो डाउनलोड करके या पॉज करके बनाए थे। रेडियन पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम। रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि द रेशियो ऑफ SI यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू CGS यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज। जिनका स्पीड स्लो है आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लेना, ठीक है? लेकिन कर लेना, 40 का 40 क्वेश्चन कर लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? क्वेश्चन नंबर 13 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर? ऑप्शन ए है आपका वाट, ऑप्शन बी है आपका जूल पर आवर, ऑप्शन सी न्यूटन मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन
डी न्यूटन पर सेकेंड। देख लो क्वेश्चन फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14। द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट्स ऑफ मास। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये आपका इस फॉर्मेट में दिया हुआ है कि जो फोर्स का डायमेंशन होता है m टू दी पावर a, l टू दी पावर b और t टू दी पावर c के फॉर्मेट में सेट करके मुझे बताना है 2a माइनस b माइनस c का वैल्यू क्या होगा। 25 से 30 सेकेंड का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन आपका दो फॉर्म में दिया हुआ है। एक जो है वो मोमेंटम का है आपका, और एक जो है आपका एनर्जी का है। ठीक है, तो आपको इसमें ax प्लस by माइनस cz का वैल्यू बताना है। ब्रेन वॉश करने वाला क्वेश्चन है ये सब। एक एक क्वेश्चन आपको दो दो कंसेप्ट क्लियर करेगा, तीन तीन कंसेप्ट क्लियर करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड यूनिट। एम्पियर, मोल, कैंडेला और न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर जिसका स्पीड स्लो है आप लोग वीडियो को पॉज कर लेना, बनाना, लेकिन बनाना आता रहेगा तो स्पीड अपने आप आ जाएगा। ये सब देख के आंसर करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो सभी लोग आप लोग देखना, इसका फायदा ये होगा कि लेक्चर में जो था मैंने आप लोगों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया था डिटेल्स में, अब मैं आप लोगों को
शॉर्टकट बताऊंगा कि किसका आंसर कैसे करना है आपको एग्जामिनेशन हॉल में, एकदम जल्दी जल्दी, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो। पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डाइमेंशनल फॉर्मूला, इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांस बनता है अच्छा खासा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड, क्वेश्चन नंबर 22। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, टाइम आपको क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23। 1 फैदम इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 24। लाइट ईयर इज अ मेजरमेंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 25। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स, क्वेश्चन से ही तो समझ में आएगा आप लोगों को कि क्या क्या पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 26। बार इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, हीट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आपका करंट। क्वेश्चन नंबर 27। नॉटिकल मील जो होता है या नॉटिकल माइल इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन नेविगेशन, रोड माइल, एस्ट्रोनॉमी, मेजरिंग द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन। क्वेश्चन नंबर 28। हाउ मेनी अर्ग्स आर देयर 1 जूल, 1 जूल में कितना अर्ग होता है? अगर कोई हिंदी मीडियम वाले देख रहे हो और समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करना, नेक्स्ट मॉक टेस्ट से मैं क्वेश्चन का लैंग्वेज हिंदी में बोल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखो। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय, देखो अभी तो आंसर कोई एक होगा लेकिन सॉल्यूशन में मैं आपको हर एक टर्म डिफाइन करूंगा ताकि एग्जाम में अगर इलेक्ट्रिक करंट के जगह स्पीड ऑफ एयर का पूछ दे तो उसका आंसर क्या होगा वो नहीं छोड़ना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 31। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 31। किलोवाट इज अ यूनिट टू मेजर वर्क पावर इलेक्ट्रिसिटी करंट, किलोवाट। क्वेश्चन का लेवल चैप्टर के हिसाब से है, काफी लोगों को आसान लग रहा होगा लेकिन चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन का लेवल होता है। क्वेश्चन नंबर 32। किलो हर्ज ये जो यूनिट है वो
किसका है, क्या मेजर करता है किलो हर्ट्ज? ये सब 5 सेकेंड का क्वेश्चन है। 1 जूल इज इक्वल टू 10^5 अर्ग, 10^3 अर्ग, 10^7 अर्ग और 10^11 अर्ग। क्वेश्चन नंबर 34, फैदम जो है वो किसका यूनिट है? डेप्थ का, डिस्टेंस का, फ्रीक्वेंसी का और साउंड का। जो लोग मेरा सारा लेक्चर देखे होंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, वहाँ पे अगर कहीं भी मिस्टेक हुआ होगा कहीं पे भी, तो सारा कन्फ्यूजन आप लोगों का रिवीजन टेस्ट में क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखो। रीडिंग ऑफ अ बैरोमीटर गोइंग डाउन इज एन इंडिकेशन ऑफ। बैरोमीटर का रीडिंग जो है जब डाउन जाता है, तो वो किस चीज़ का इंडिकेशन है? बारिश का, गर्मी का, तूफान का, बर्फबारी का? स्नो स्टॉर्म, इंटेंस हीट, रेनफॉल। आप लोग अगर चाहते हो कुछ और क्वेश्चन डिस्कस किया जाए जो आप लोगों के पास हो और मैंने डिस्कस ना किया हो, तो आप लोग जो है सो उसको फेसबुक पेज पे या फेसबुक ग्रुप पे कहीं पे भी डाल देना, और मैं जो है सो वहाँ से क्वेश्चन कलेक्ट करके आप लोगों को रिवीजन टेस्ट में, मॉक टेस्ट में अच्छा से सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग अपना अपना जो भी आप लोगों का डाउट है, सारे लोग ग्रुप में क्वेश्चन पूछो, मैं कलेक्ट करके आप लोगों को हेल्प कर दूंगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 36 देखो। अ क्रोनोमीटर मेजर्स क्या, क्रोनोमीटर क्या मेजर करता है? क्वेश्चन नंबर 37, करंट का यूनिट बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 38, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज। क्वेश्चन नंबर 39, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन नंबर 40, नॉटिकल माइल इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन नेविगेशन, स्पेस, एविएशन, नन ऑफ दीज। फोर्टी मार्क्स का आप लोगों का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आएगा, इसीलिए मैं हर मॉक टेस्ट में आप लोगों को 40 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, और आज का टेस्ट जब मैं सॉल्यूशन लाऊंगा और आंसर की प्रोवाइड करूंगा, 38+ मतलब 39, 40 या 38, 38 या 38 से ज़्यादा जिसका करेक्ट होगा, आप लोग का पढ़ाई सही जगह पे जा रहा है, सही रास्ता पे आप लोग कर रहे हो। एक नंबर भी अगर उससे कम आता है, आप लोग जा करके यूनिट्स एंड मेजरमेंट 1.1 से पूरा का पूरा देखो अच्छे से। आप लोगों के भलाई के लिए बोल रहे हैं, सिलेक्शन चाहिए, मेहनत करो, मेहनत से मत डरो। वीडियो को डाउनलोड कर लो, स्किप करके देखो जहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन देखो। चलो आप लोग वेट करो,
इसका सॉल्यूशन का और आंसर की का, और जिन लोगों से नहीं बना है मैंने भगा दिया, अगर टाइम कम मिलने की वजह से आप लोग नहीं बनाए हो कोई क्वेश्चन तो उस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ, 40 का 40 क्वेश्चन आप लोगों को बना करके रखना है। और इसी तरह से आपका 2 महीना तक इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवा देंगे ना, एक एक चैप्टर में 200 से 300 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसका आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, प्रैक्टिस आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन कंडीशन यही है कि आपको बस फॉलो सीरियसली करना है। देखो और टीचर की तरह मेरा आदत नहीं है, आए पढ़ाए और गए, ऐसे हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है? थोड़ा सा दिल से पढ़ाते हैं, समझाने का मेरा मेन एम होता है, कोशिश करता हूँ कि जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो समझो, कुछ सीखो, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। टैलेंटेड लोग मुझे भी पता है, मेरे चैनल के अलावा 75 चैनल और पढ़ रहे होंगे, लेकिन जो लोग पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, सीरियसली फॉलो करो और कोशिश करो सीखने पे, ठीक है? सीखने पे कोशिश करो। मिलते हैं किसी लेक्चर में, और आप लोग तब तक मन से एग्जाम का तैयारी करो, ठीक है? चलो बाय, थैंक यू।